तो दोस्तों आज है हमारे असील मुर्गे का आखिरी दिन। तो जिसने मुझे दिया था तो उसे आज मैं देने जा रहा हूँ। तो अभी इसे पैक करते हैं, क्योंकि ये कार्टन में पैक करके ना फिर जाएंगे। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है और अभी आया हूँ जुमा नमाज पढ़ के, तो इसे जाके पैक करते हैं और झट से लेके जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो यार इस टाइम जो है ना 1:15 का टाइम है, तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उसे अभी मैं ये देने जा रहा हूँ जो मुर्गा है ना, क्योंकि जिस मकसद के लिए हम ले कर आए थे ना मुर्गा, तो मकसद हमारा बिल्कुल ही पूरा नहीं हुआ। मकसद ये था कि मैं अपनी मुर्गियों के साथ, ये मुर्गी है ना मेरी, इसके साथ, इसकी वजह से ये मैं ले के आया था। फिर कज़न को मैंने भेजा है कि वो लेने गया काटन, क्योंकि गर्मी है ना, तो हमारी तो खैर है, लेकिन मुर्गा जो है ना उसके लिए मैंने कहा यार एक काटन ले के आओ, क्योंकि मुर्गे को डालेंगे काटन के अंदर कि उसे धूप ना लगे। तो जब वो लेने गया काटन, फिर काटन ले के आता तो फिर झट से इसे हम पैक करते हैं और निकलते हैं शहर। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम अपना मुर्गा लेने जा रहे हैं इंशाल्लाह। बस सिर्फ़ और सिर्फ कुछ ही दिनों की बात है, इंशाल्लाह हमारे सेटअप पे काफ़ी मुर्गियाँ भी आ जाएंगी असील, और अपना मुर्गा भी आ जाएगा। जैसे आप प्यार दिखा रहे हैं वैसे प्यार दिखाएं इंशाल्लाह। बस सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देहात में रौनक को, तो बहुत जल्द आपको काफ़ी सरप्राइज़ मिलेंगे इंशाल्लाह। तो अभी कज़न का इंतज़ार कर रहा हूँ, वह जैसे आता है तो इसे पैक करते हैं। तो जल्दी जल्दी से जिसकी चीज़ है, जिसकी अमानत है, हम उसे वापस करके आते हैं। यार इस मुर्गी के लिए लेके आया था मैं मुर्गा, तो मुर्गी ने अंडे ही नहीं दिए, बिल्कुल अंडे नहीं दिए। तो 2 अंडे दिए थे, तो उसके बाद अंडे ही नहीं दिए, तो फिर वो 2 अंडे जो है ना वो हो गए हैं ख़राब, वो मैंने फेंक दिए हैं। तो तकरीबन 2 महीने हो गए हैं इस मुर्गी के साथ, इस असील मुर्गे को। तो 2 महीनों में सिर्फ 2 अंडे हैं, तो फ़ायदा ही नहीं है फिर इसके साथ रखने का। फिर मुर्गियाँ भी और लेंगे और असील मुर्गा भी और लेंगे, और इस केज को भी हम इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में आबाद करेंगे। तो इसका थोड़ी सी बस ये जगह खाली थी, नहीं बनी, इस वजह से इसके अंदर कोई चीज़ नहीं रखी। तो बस आज या कल में ये भी पूरा का पूरा सेट हो जाएगा, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द इस केज को हम आबाद करने लगे हैं। तो मास्टर केज का काम तकरीबन जो है ना वो कलर हो गया था, बाकी थोड़ा सा रह गया था। छत हमने कलर नहीं की, क्योंकि छत जो है ना उसके लिए चाहिए था काफ़ी कलर, तो कलर हो गया था ख़त्म। तो जैसे ही अब टाइम मिलेगा इंशाल्लाह कलर लेके आएंगे मार्केट से और कलर करेंगे अपने मास्टर केज की छत को। तो यार कज़न मेरा आ गया डब्बा लेके ना, ये देखिए डब्बा लेके आ रहा है। तो मैं ले आया हूं। जी तो फटा हुआ था नीचे से, ये गत्ता दिया है इसके अंदर, बस कोई नहीं, दरमियान में रख लेंगे, दरमियान में रख लेंगे। हाँ सही, इसकी जो सिरी है वो निकले रखी लास्ट। ये देखो डब्बा सही है ना यार, जबरदस्त डब्बा है, इसके ऊपर हाथ रख लेंगे ना कोई मसला नहीं, नहीं निकलेगा। अभी ऐसा करेंगे ना तो निकाल देंगे ना सुराख निकाल के, लेकिन कोई नहीं क्योंकि इसके ऊपर एक साइड नहीं है ना, चल जाएगा। वैसे इसके ऊपर हाथ रख लेंगे कहीं नहीं जाएगा। अभी हम पकड़ते हैं आप मुर्गा और इसके अंदर डब्बे के अंदर शिफ्ट करते हैं और लेके जाते हैं देने वापस। यार मुर्गे को पकड़ते हैं, यार इसके पाँव बांधने पड़ेंगे, हाँ पैर जो है ना इसके बांधने पड़ेंगे, और शापर के साथ पैर बांध दे इसके। तो इसके पैर हम बांध के ना फिर बॉक्स के अंदर डालेंगे, क्योंकि ये भागे ना, क्योंकि मुर्गे की हाइट है माशाल्लाह बहुत ज़्यादा, असील है ना, तो ये इसने अगर छलांग मारी ना तो हम इसे पकड़ते रह जाएंगे, ये पकड़ा नहीं जाएगा। ये देखिए आराम से इसके अंदर शिफ्ट कर दो, बस ठीक इस तरह ना। ज़बरदस्त, ठीक ओके हो गया, मुर्गे को हमने पकड़ लिया, अब लेके जाते हैं शहर।